अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन दीदी, मुझे पेंसिल लेनी है। जाओ लेकर आओ। जी, हम और गोलू यहीं पर हैं। ले ली पेंसिल? हाँ, ये पेंसिल और ये 5 रुपए। अरे, ये पेंसिल तो 2 रुपए की है ना, उसने तुम्हें 5 रुपए लौटाए। जी, तुम लोग यहीं रुको, हम अभी आते हैं। जी, क्या चाहिए? अभी अभी एक बच्ची आकर आपसे पेंसिल खरीद कर ले गई और आपने उससे 2 की जगह पे 5 रुपए ले लिए। जी, मैं 2 रुपए काट कर बाकी पैसे दे ही रहा था कि बच्ची भाग कर चली गई। झूठ मत बोलिए, बच्चा देखकर आपने ऐसे किया ना? अरे छुटकी, सुमन जी कहाँ है? वो सुमन दीदी दुकान के अंदर है। अच्छा, आओ चलते हैं अंदर। श्याम बहादुर, तुम बच्चों के साथ रुको, मैं आता हूँ। अब तो आपके पैसे लौटा दिए ना, आइंदा से आप ऐसी गलती ना करें। क्या हो गया सुमन जी? कुछ नहीं, इन्होंने छुटकी से पेंसिल के ज्यादा पैसे ले लिए थे। अब भाई साहब, इंसान से गलती हो ही जाती है, आगे से ध्यान रखूंगा। अब तो माफ कर दीजिए बहन जी। आप यहाँ कैसे? मैं टीकू और श्याम बहादुर को स्कूल छोड़ने जा रहा था, मैंने बच्चों को बाहर खड़े देखा तो फिर मैं यहाँ आ गया। स्कूल के लिए देर हो रही है, आप टीकू को लेकर स्कूल जाइए, हम भी गोलू और छुटकी को लेकर आ रहे हैं। आई। गोलू छुटकी कहाँ चले गए? टीकू और श्याम बहादुर भी नहीं दिख रहे, लगता है बच्चे श्याम बहादुर के साथ स्कूल चले गए। हाँ, शायद वहीं चले गए होंगे। आइए, मैं आपको स्कूल तक छोड़ देता हूँ। नहीं, वो हम चले जाएंगे। आइए, मैं आपको स्कूल तक छोड़ देता हूँ वरना लेट हो जाएगा। ये भी देख लूंगा कि श्याम बहादुर बच्चों के साथ पहुंचा कि नहीं। आइए बैठिए। चले जी। चलिए, आप स्कूल तो टाइम पर पहुंच गई, अगर रिक्शा का इंतजार करती तो लेट हो जाता। जी धन्यवाद। वो देखिए, बच्चे भी आ गए। आप मामा
जी साथ बाइक पे आई है। तुम ये बताओ कि तुम लोग वहाँ से बिना बताए आ क्यों गए? और गोलू कहाँ है? वो गोलू अपनी क्लास में है। और हम क्या करते? आप तो दुकानदार के साथ झगड़ा कर रही थी और हमें स्कूल में आने के लिए देरी हो रही थी। अच्छा है ना, टीकू के मामा आपके साथ झगड़ा करने के लिए जो थे। हम लोग निकल गए फिर भी आपको पता नहीं चला, है ना? अच्छा मैं चलता हूँ। बाय बाय टीकू। बाय। चलो जाओ अपनी कक्षा में जाओ, ठीक है? सुमन जी, सुप्रभात। सुमन जी। सुप्रभात। आज तो आप अत्यधिक प्रसन्न लग रही हैं। क्या हम जान सकते हैं इस हर्षित मुख के पीछे कौन सा सुख है? आप बहुत अजीब बातें करते हैं, हमें इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे कारण आपको कष्ट हुआ, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। परंतु क्या करें, भूल हमारी नहीं है। कवि है ना, हृदय के भाव को बाहर निकालना यही तो कवियों का स्वभाव होता है। वैसे हम जानते हैं कि आज आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं। वो आज आपको घर से विद्यालय तक पैदल चलकर जो नहीं आना पड़ा, वैसे कौन थे वो सौभाग्यशाली जो आपको यहाँ तक छोड़ने आए थे? आप क्यों जानना चाहते हैं? यदि आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। वैसे मेरे ये बात छेड़ने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, पर एक साइकिल जरूर है। और संयोग से आपका घर मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर है। यदि आप चाहें तो हम साथ आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो क्या विचार है? विचार? मैडम जी, जरा एक मिनट यहाँ आइएगा ना। आप इन्हें क्यों कष्ट दे रही हैं? देखिए सुमन जी, भूलवश मुंह से कोई अनुचित बात निकल गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आप उनसे कुछ मत कहिएगा। हाँ कहूँ सुमन। मिथिलेश जी ने वार्षिक समारोह के लिए कुछ कविताएं लिखी है, हमारे क्लास का समय हो गया है, तो क्या आप सुन लेंगी वो कविताओं को? जी हाँ, आप जाइए। जी धन्यवाद। हाँ तो कहिए मिथिलेश जी, क्या लिखा है आपने? फूल खिलकर भी खिला नहीं और समंदर में कितना पानी फिर भी गीला नहीं। ये लिखा है आपने? जी जी, अभी के अभी ही लिखा है मैंने। मिथिलेश जी, इस तरह से कविताओं का कत्ल मत कीजिए, कुछ अच्छा लिखिए फिर सुनाइएगा। जी। बेचारे मिथिलेश जी, अब हमें छेड़ने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। तुम इस गलत फहमी में मत रहना, इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है वो। तो हम भी कौन सा डरने वालों में से हैं? अब उनकी ऐसी कविता बनाएंगे कि वो कविता लिखना भूल जाएंगे। कवि महाशय। सुमन जी, हमारी कक्षा का समय हो गया, चलिए। हम देखते रहे और काफिला निकल गया। जिस पल का इंतजार था आज फिर वो पल गया। दूर से भी कोई छूकर निकलता है ये भी आज हमें पता चल गया।